नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये 12 इंच का स्पीकर है जो कि रिपेयर होने के लिए आई हुई है और 200 वाट स्पीकर है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ख़ास बात है, मैं आज इस स्पीकर के माध्यम से आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग कॉइल लगाने में कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और गलती करने के बाद में उनके मन में ये सवाल पैदा होता है कि हमारी स्पीकर की आवाज़, जब से हम रिपेयर करवाए हुए हैं तब से हमारी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन वगैरह जो भी की गई है और जो कॉइल की सेटिंग है दोस्तों, बहुत ही गलत तरीके से सेटिंग किया गया है। तो मैं इसमें कहाँ पे गलती हुई है और इसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसमें जो कॉइल में मिस्टेक हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों, पूरी की पूरी नीचे की ओर अंदर की ओर सेट करके रखी गई है। इसकी जो वाइंडिंग लेयर है कॉइल की, वो दोस्तों पूरा का पूरा अंदर किया गया है। जबकि दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का ये मन में डाउट होता है कि अगर कॉइल की जो वाइंडिंग है वहाँ पे हम अगर ऊपर रखते हैं तो उसकी आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जब ये अभी मैंने इसमें मार्क किया हुआ है, कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जब कॉइल हम बाहर निकालेंगे तो दोस्तों आपको दिखाएँगे कि इस जो बीच वाली लोहे की प्लेट है उससे दोस्तों हमारी कॉइल कितनी नीचे सेट की गई थी, और जो हम अब दूसरा कॉइल यहाँ पे लगाएंगे उसमें दोस्तों हम देखेंगे कि हम कितना नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे। तो सारी चीज़ें दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करके बताएंगे। और कभी भी भविष्य में जब भी आप स्पीकर रिपेयर करेंगे तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत जानकारी रखनी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर आपकी जो कॉइल है दोस्तों लॉन्ग लाइफ तक चलेगी भी नहीं और स्पीकर की जो आवाज़ है दोस्तों ख़राब हो जाएगी। तो बहुत सारे भाई लोग ये जजमेंट ही नहीं लगा पाते हैं कि कॉइल हम कितना हमें ऊपर की ओर रखना है। अगर वो ज़्यादा ऊपर रखते हैं तो आवाज़ दोस्तों उसमें से पतला आने लगती है, टोन बढ़ जाती है, मीट बढ़ जाती है और बेस घट जाती है। तो उस उनका सोचना है कि कॉइल को हम पूरा अंदर की ओर धकेल देंगे तो बेस हमारी बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं स्पीकर जो है, जो ये पी ऑडियो स्पीकर है दोस्तों, इसका हालाँकि इसका स्टिकर जो है वो निकल चुका है, लेकिन ये पी ऑडियो कंपनी का है 200 वाट में। तो स्पीकर का जो कॉइल है वो हम बाहर निकाल लेना है मुझे, और बिल्कुल ही आपको ऐसा तरीका से हम सेट करके दिखाएंगे आपको। और इस स्पीकर का जो रिव्यू है वो दोस्तों मैं ऑडियो आपको क्लिप चेक करके भी दिखाऊंगा। अगर आपका कॉइल ज़्यादा अंदर की ओर अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आपका जो पेपर है बहुत कम जंप करेगी, और ज़्यादा अगर ऊपर की ओर कर देते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपकी पेपर और स्पाइडर जो है, कॉइल जो है, बहुत ही हैवी जंप करने लगेगी। और उस कंडीशन में होगा क्या कि आपका दोनों कंडीशन में दोस्तों आपका कॉइल ख़राब हो जाएगी, लेकिन और आवाज़ तो मिलेगी ही नहीं सही आपको। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट में आने लगती है कि स्पीकर में जब से मैं कॉइल चेंज किया हूँ तब से आवाज़ दोस्तों हमारी कम हो चुकी है। तो ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके स्पीकर में आवाज़ कम ही हो ही जाएगी और ना ही उसमें से कोई क्वालिटी मिलेगी। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कॉइल को हम निकालना शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आप समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो इससे छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और कभी भी भविष्य में आपसे स्पीकर बनाने में कभी गलती नहीं होगी। तो आप समय निकाल करके बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल हमारी बाहर निकल चुकी है, और इसकी जो वाइंडिंग है, जिसकी जो कॉपर है, वो दोस्तों नीचे फंस चुकी थी जल करके, तो मैंने यहाँ निकाल लिया है। और जो मैंने मार्क किया हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना, जो भाई लोग इसे सेट किए थे इस वॉइस कॉइल को, हालाँकि मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ लेकिन मैं फिर भी दिखा देना चाहता हूँ कि उस भाई ने कहाँ पे गलती किया था। अब शायद जो भी हो, चाहे जो भी कॉइल लगाए होंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने मार्क किया हुआ है
और जितना हमारा कॉइल ऊपर की ओर रखना था उतना ही दोस्तों इसमें माइनस की ओर किया गया है, यानी कि इतना ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा, और ये जो हमारा यहाँ पे एक मैंने और मार्क किया कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे मैं फर्स्ट मार्क किया हूँ यहाँ तक हमारी कॉइल की वाइंडिंग है, और कॉइल की वाइंडिंग से लेकर के और कुछ तक जो पेपर है और भी अंदर की गई है। अगर आपका कॉइल की वाइंडिंग तक ही अगर आप अंदर की ओर रखते थे तो वहाँ तक तो करीब करीब आपका आवाज़ ठीक रहेगी, लेकिन आप उससे भी अगर आप अंदर कर देंगे तो आपकी आवाज़ कभी भी ख़राब, कभी भी सही नहीं मिलेगी आपको। तो इससे मैं उल्टा तरफ भी करके मैं दिखा रहा हूँ, इतना दोस्तों जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया इतना दोस्त, ये जो मार्क हमने किया हुआ है कॉइल के ऊपर तक इस मैग्नेट के अंदर कॉइल को डाला गया था, जबकि ऐसा नहीं करना था। तो मैग्नेट के अनुसार भी अगर आपका मैग्नेट बीच वाली जो प्लेट होती है लोहे की, अगर दोस्तों ये बीच वाली अगर हाइट में है तो फिर आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बराबर में है तो आप इस तरीके से कॉइल नहीं लगा सकते हैं। अगर इस तरह से लगाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ में कभी भी सुधार नहीं होगी, और ऐसी तो मैग्नेट के अनुसार ही सेट किया जाता है कॉइल को, लेकिन इस स्पीकर में जिस तरीके का मैग्नेट है बीच का जो हिस्सा होता है वो दोस्तों बराबर है। तो मैं आपको दूसरा कॉइल निकाल के दिखा रहा हूँ अभी, कि जो कॉइल हमने यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे ये देख सकते हैं, ये भी 200 वाट स्पीकर कॉइल है, और इसकी जो वाइंडिंग है वाइंडिंग दोस्तों दोनों की बराबर है। हालांकि पहले का भी कॉइल की क्वालिटी अच्छी थी, ख़राब नहीं थी, लेकिन जो सेट करने का तरीका था ये गलत था। तो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों कॉइल का लगभग एक चौथाई जो होता है आप इसे चार चरण में बांट सकते हैं, चार चरणों में, तो तीन चौथाई जो होता है दोस्तों आप अंदर कर दें, और ये जो बीच का हिस्सा होता है ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों, अगर बीच का हिस्सा अगर ऊपर की ओर अगर बढ़ा हुआ है, अगर हाइट में है, तो फिर आप वाइंडिंग पूरी की पूरी आप नीचे की ओर घुसा सकते हैं, नीचे की तरफ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीच का हिस्सा बराबर है साइड से तो फिर मैंने इतना कॉइल को हम ऊपर की ओर ही रखेंगे, जबकि पहले वाली कॉइल में इतना अंदर की ओर था। देख सकते हैं दोस्तों कितना डिफरेंस है, मैंने कॉइल में जितना मैंने ऊपर रखा हुआ है उतना दोस्तों और उससे दो गुना कॉइल को नीचे की ओर पहले सेट किया गया था। तो मैं इस कॉइल को सेट करूँगा अभी, और सेट करने के बाद मैं इसे आपके सामने लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ हमें कैसी मिलने वाली है, कैसी रहने वाली है। तो इसे हम गर्म करके साफ़ कर लेना है मुझे, तो फटाफट इसे हम साफ़ कर लेते हैं अभी। तो वीडियो बहुत छोटी है लेकिन दोस्तों बहुत काम की है। अगर आप नए लोग हैं, अगर आप नए डीजे ऑपरेटर हैं, नए डीजे अगर आप खरीदे हुए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो मन में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिए, मैं आपका हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो यहाँ से हम साफ़ कर लेना है मुझे, तो अगर आप डायरेक्टली इसमें अगर आप चाकू से अगर इसे साफ़ करना चाहें तो दोस्तों ये साफ़ नहीं होता है, पेपर फटने का चांस बढ़ जाएगी, इसलिए हमने इसे थोड़ी सी मैंने हीट गन से मैं गर्म कर दिया हूँ ताकि आसानी से कट जाए, और अपने एयर ब्लोवर से पूरा का पूरा हवा से साफ़ कर देना है ताकि इसमें हल्का सा भी कचरा वगैरह कुछ भी ना रहे। तो ये हमने साफ़ कर लिया है, तो दोस्तों देखते हैं अभी साफ़ करने के बाद में कॉइल हमारी सेट होती है या नहीं। तो ये इतना हम मार्क जो किया हुआ है ये दोस्तों मैंने बाहर की ओर रखा है, तो मैं देखता हूँ अभी कॉइल डाल के, थोड़ी सी और हमें यहाँ पर साफ़ कर लेनी है क्योंकि कॉइल अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से एक लाइक ही मांगता हूँ, और आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट भी मिलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉइल को आपको चारों तरफ से आराम आराम से पुश करते हुए अंदर की ओर धकेल देनी है ताकि ये सेट हो जाए अच्छी से। तो अगर आप चाहें तो दोनों में आप दो स्पीकर ले सकते हैं, और एक में दोस्तों आप पूरी की पूरी कॉइल को अंदर कर दें, और दूसरा में जो मैंने सेट किया हुआ है, इस तरीके से आप कॉइल सेट करके दोनों में अगर आवाज़ का कंपैरिजन अगर आप करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, तो तब आपको समझ में आएगी कि कॉइल हमारी किस तरीके से सेट होनी चाहिए। अगर आप दोनों को सिंगल सिंगल सुनते हैं तो फिर पता नहीं चलती है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को एक साथ अगर सुनेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगी कि हमारी कॉइल हम किस तरीके से सेट करनी चाहिए और कितना में एडजस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉइल को सेट कर लिया हूँ, और सेट करने के बाद में अब
वो चारों तरफ पेपर वाइंडिंग का जो पेपर होता है मोटर वाइंडिंग दुकान में आसानी से मिल जाती है ये। अगर ये पेपर आपके पास नहीं है वाइट पेपर तो फिर आप इसके जगह पर आप एक्सरे वाले पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कॉइल को चारों तरफ टाइट कर देनी है और टाइट करने के बाद में सबसे पहला जो होता है सो आप एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, ये जो कॉइल है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल लेवल था, पेपर और स्पाइडर के बीच में ये लेवल चिपकाया गया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना कॉइल सेट किया हूँ दोबारा से तो पेपर और स्पाइडर से हल्की सी हमने मेरी कॉइल ऊपर है। अगर आप गौर करेंगे तो पुरानी वाली कॉइल बिल्कुल पेपर के नज़दीक में थी और हमारी कॉइल ऊपर में है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसे हम फटाफट सोल्डिंग कर लेना है मुझे, और सोल्डिंग करने के बाद में बोनटाइट का ही यूज़ करेंगे हम, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट में सूख जाए। और सूखने के बाद में तुरंत मैं आपको इसकी जो रिव्यू है, इसकी जो आवाज़ टेस्टिंग है वो दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से चारों तरफ बोनटाइट अभी हम नहीं लगाएंगे, सबसे पहला जो है उसे हमें सोल्डिंग कर लेनी है। यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे और उसके बाद बोनटाइट हमें यूज़ करना है, और फिर 15 से 20 मिनट के बाद इसे हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। तो सारी प्रक्रिया दोस्तों मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, ताकि आप भी देख सकें और कुछ सीख सकें यहाँ पे। तो मैंने वीडियो खास करके दोस्तों नए लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भाई लोग इस काम को करना चाहते हैं और जिनके पास खुद का डीजे है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया हूँ, और कनेक्शन करने के बाद में बोनटाइट मैंने मिला के रखा हुआ था चारों, अब इसके बाद चारों तरफ हमें लगा देनी है। लगाने के लिए आप चाकू का भी सहायता ले सकते हैं, चाहे जैसे भी हो आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मैं चाकू से ही बिल्कुल बहुत ही आराम तरीके से बोनटाइट लग जाती है। और इतना काम करने के बाद फिर हमें छोड़ देना है। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पे कभी भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी, जो मैं खुद का रिपेयर करता हूँ, जो खुद से रिपेयर करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाता कुछ और हूँ और काम अलग करता हूँ, ऐसा बात भी नहीं है। जो मैं रिपेयर करता हूँ वही चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में शेयर भी करता हूँ। तो कभी भी आप इस तरीके से आप कॉइल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर को कुछ देर के लिए उल्टा छोड़ देना है, ताकि कॉइल हमारी जो है सो इसकी जो बोनटाइट है वो अंदर की ओर ना जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से 15-20 मिनट होने के बाद में बोनटाइट हमारी बिल्कुल पूरी की पूरी सूख चुकी है ये। और सूखने के बाद इसके चारों तरफ जो मैंने पेपर डाला हुआ था उसे हमें निकाल लेना है, और निकालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कॉइल हमारी बिल्कुल क्लियर है। और इसे हम कनेक्शन करके आपको टेस्ट करके भी दिखाऊँगा, तो कि इसकी जो वाइंडिंग है, इसकी जो कॉइल का जो लेयर है दोस्तों मैंने कितना ऊपर की ओर रखा है वो दोस्तों अगर आप कैमरे के सामने अगर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ी सी नज़र आ रही है हल्की हल्की। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोस्तों यहाँ पे इतना हमारा कॉइल ऊपर की ओर है, लगभग दोस्तों 6 से 7 टर्न हमारी ऊपर की ओर हमने रखा हुआ है मैग्नेट से। और जो फर्स्ट में जो कॉइल सेट था वो दोस्तों जितना मैंने अभी ऊपर की ओर रखा हुआ है कॉइल को उससे डबल दोस्तों नीचे की ओर सेट किया गया था वॉइस कॉइल को। तो मैं अब टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो स्पीकर में दोस्तों सारा कनेक्शन हमने कर लिया है, इसकी जितने भी कनेक्शन है मैंने एम्पलीफायर के लिए रखा हुआ है, और उसमें सभी कनेक्शन करने के बाद मैं गाना प्ले करके और इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी तुरंत गाना प्ले करता हूँ हम, और फिर सुनते हैं इसकी आवाज़ को। इसमें दोस्तों आवाज़ बिल्कुल क्लीन आ रही है अभी, और आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी आवाज़ कैसी थी,
और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इसके साथ में कोई नया स्पीकर इसी तरीके से रख कर दोनों को आप सेट करके मिला सकते हैं अपनी आवाज़ को। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर सही तरीके से फिर मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।